बजे चार बजे सुबह काम जा रहा था, गोली मार के उसको पानी में फेंक दिया। हमर बाबू कता गया ना गे, हमर बाबू कता गया ना गे, एक गे आ गे, हमर बाबू कता गया ना गे, हमर थाना कता गया ना गे, एक मैयो ता, एक मैयो ता। हेलो दीदी, आप शांत रहिए, नहीं शांत रहिए कैसे होगा बताइए, मेरा थोड़ा शांत रहिए। ए हो बाप, एक ही लड़का था, एक ही था बेटा। क्या नाम है आपका? अनू कुमारी। आपसे बड़ा भाई था, क्या करता था वो? अभी कुछ नहीं, पढ़ाई करता था। कैसे हुआ, आप लोग से कुछ जानकारी है? नहीं, काम जा रहा था और कुछ नहीं, सुबह में 5 बजे हमें बात हुआ था बेटा से। कितना बजे हुआ था? 5 बजे गए सुबह में, 5 बजे गए, 5 बजे गए। नमस्कार प्रणाम मित्रों, अभी मेरी मौजूदगी जदिया बाजार में है और जदिया में एक बहुत बड़ा घटना हो गया है जिसमें कि 22 वर्षीय एक लड़के की मृत्यु हो गई है। रात में लड़का खाना उना खा करके घर पे ही रुकता है और सुबह 4 बजे निकल के अपने कामत पर जाता है और इसी दौरान उस लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्यारा अभी फरार है। यहाँ पर परिजन के पास हम पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ व्यक्ति हैं और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए थोड़ा सा, इधर दिखाइएगा थोड़ा सा, देखिए बाबू। सुबह में बात हुआ था बेटा से? कितना बजे हुआ था? 5 बजे गए सुबह में, 5 बजे गए, 5 बजे गए। कहाँ गया था? कामत गले हो बाबू, कामत गया, कामत गला साइकिल से हो बेटा। हमर कितना दूर कामत है? कनिए नहर के ओय बगल छ हो बेटा। हमर बेटा, ए हो बाबू, हमरा बेटा का के दुश्मन है? आपको पता कब चला कि क्या ओनी से लोग चकरा ने कहल कह त हमे नहीं जान लिया हो बेटा, सब के देख लियो त हम उ जाय आई रिया दरवाजा गिर पर। ए हो बाबू, एक ही लड़का था? एक ही था बेटा। देख सकते हैं आप लोग, परिजन किसी भी हालात में अभी बोलने के स्थिति में नहीं है। भैया आपका क्या नाम है? बाबुल कुमार। आपको कब पता चला इस घटना के? सुबह में 5:30 बजे पता चला। सुबह में पता चला, मतलब क्या लगा आपको, क्या लगता है इस घटना में क्या? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता इस घटना में क्या है नहीं है। बहुत ही सीधा साधा लड़का था उसका, ना ही किसी से कोई बात, ना कोई झगड़ा, ना कुछ, तो किसी पे हम कैसे एलिगेशन अभी लगा सकते हैं? सब कहाँ पर है अभी? सब अभी चौक पे है, वो पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। अभी नहीं गया? अभी नहीं गया। नहीं जाने का वजह है? इतना लोग जाम किए हुए थे कि प्रशासन से कोई आश्वासन मिले हम लोग को कि हाँ इसका उद्भेदन सही तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल। आप लोग यहीं के हैं? हाँ यहीं के हैं। आपको कब पता चला? हमको सुबह में 5:30 बजे पता चला है। सुबह में आप जानते थे लड़का को? हाँ जानते थे, भतीजा लगेगा। आप ही का भतीजा है? हाँ, चचेरा भाई का है। बगल से? हाँ। अच्छा, तो सुबह में मतलब यहाँ से निकलता है कामत के लिए? हाँ, उनका कामत है वहाँ। इनका पापा का पैर टूटा हुआ था ना, तब से ये जा रहा है गाय का सानी कुट्टी जो होता है, मवेशी रखा हुआ, उनका सारा चीज करने के लिए। घर का इकलौता वारिस था? घर का इकलौता वारिस है, नित्य प्रतिदिन दिन जाता था, ठीक ना। और ऐसा ये जैसा लड़का है ना, इनको दोस्त बात कोई भी बोल देता था ना, ये चुपचाप जा सकता था, लेकिन किसी को उल्टा करके जवाब तक देने वाला नहीं था। इतना शरीफ लड़का था, किसी से उतना बकवास भी, बहस भी आज तक किसी से नहीं किया होगा। अच्छा, ठीक ना। क्या भास्कर नाम है लड़का का? भास्कर नाम है, पिताजी का सुबोध प्रसाद यादव नाम है,
ठीक ना, घर जदिया वार्ड नंबर 6 में है, ठीक ना। यहाँ पे हम देखते हैं, चाची आपका क्या नाम है जी? हम भी नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं, देखने आए हैं। हाँ, देखने पता चला तो देखने आए। पेट्रोल पंप का लोग है हम, पता चला आप लोग को? हाँ, देखने आए। हाँ, आपका क्या नाम है दीदी? आप लोग देखने आए हैं क्या? पता चला था? अच्छा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर परिजन अभी बोलने के स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसी स्थिति में पूछना भी मानवता नहीं होगा। बाकी हम जहाँ पर सब है और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ पोस्टमार्टम के लिए लाया जाएगा, वहाँ हम जाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग इसी तरह देखते रहिए संस्कृति बिहार, और फिर नए अपडेट के लिए जुड़ते रहिए संस्कृति बिहार से। सुबह गया था काम 4 बजे, 4 बजे सुबह काम जा रहा था, गोली मार के उसको पानी में फेंक दिया। सुबह में 4 बजे कोई फोन उन करके बुलाया था? जी नहीं, उन्हें जानते हैं कौन बुलाया था। क्या नाम था उसका? भास्कर। आपका कौन था? भाई था मेरा। आपसे बड़ा था? छोटा था, हमसे छोटा था। कितना उम्र होगा उसका? 22 साल। 22 साल। और किसी से किसी तरह का कोई लफड़ा? नहीं जानते हैं सब। कुछ पता नहीं है? नहीं था लफड़ा मेरा भाई, किसी से बात भी नहीं करता था, किसी से बात भी नहीं करता। आप लोगों को क्या लगता है क्या हो सकता है? क्या हुआ था कुछ तो बताइए। देखिए, इस परिवार में इतना मातम पसरा हुआ है, और ऐसी स्थिति में इन लोगों से कुछ पूछना भी सही नहीं है, क्योंकि सभी लोग इतने भावुक हैं, इनसे कुछ पूछा नहीं जा सकता है, कोई सवाल नहीं किया जा सकता है। आइए यहाँ के कुछ लोगों से। चाची, आप लोग को कुछ पता है? नहीं, कुछ भी पता कुछ नहीं है। क्या हुआ था आप लोग को कुछ पता है? नहीं पता है। कब पता चला आप लोग को? आपको क्या कुछ पता है? नहीं, पता तो नहीं है हमको। जानते हैं लड़का को? जानते थे? जानते थे। क्या नाम था? भास्कर नाम था। अच्छा, क्या करता था वो? कुछ नहीं, घर पे रहता था, गाय भैंस था, उसको खिलाता पिलाता था, रहता था। कितना बजे ये घटना हुआ है? 4 से 5 के बीच में। 4 से 5 के बीच में। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए चाचा, इधर आइए। शांत होने का काम है चाची। बाबू, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब चीज होगा चाची, सब कुछ होगा। चाची, चाची आप जो है हिम्मत मत हारिए। देख सकते हैं इस परिवार में कितना मातम पसरा हुआ है। शांत नहीं होइएगा तो कैसे होगा? कैसे होगा शांत नहीं होइएगा? घटना की अभी पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। कहा जा रहा है कि ये 4 बजे सुबह में घटना हुआ है। इधर दिखाइए, इधर। हाँ, पापा कहाँ है? बुलाइए उनको, इधर बुलाइए उन पापा को। Thank you.
हटिए भैया थोड़ा हटिए हेलो दीदी आप शांत रहिए नहीं शांत रहिए कैसे होगा बताइए भैया थोड़ा शांत रहिए छोटी बहन है क्या नाम है आपका अनु कुमारी आपसे बड़ा भाई था क्या करता था वो भी कुछ नहीं पढ़ाई करता था कैसे हुआ आप लोग से कुछ जानकारी है नहीं कामत जा रहा था और सुबह कुछ सुबह में 5 बजे किसी पर शक है आप लोग को फिर क्या बताएंगे क्या बताएंगे किसी से बात किसी से नहीं जितने बोलता था उतने बोलता था कोई किसी से दुश्मनी कुछ भी अभी कैसे बताएंगे अभी हम प्रशासन से क्या मांग करते हैं क्या मांगते हैं आप प्रशासन से क्या कुछ खुलासा नहीं हो रहा है कि क्या हुआ था मेरे भैया को इंडिया चाहिए हमारे भैया को एक चीज बताइए कल शाम में वो कहाँ पर था 5 बजे सुबह में काम जा रहा था कल शाम में घर पर था खाना यही खाया सोया भी यहीं पर है और उसके बाद सुबह में आप लोगों को पता चला कि ऐसा हो गया 6 बजे सुबह 6 बजे सब ठीक हो जाएगा दीदी आप लोग सब ठीक होगा हथियारा नहीं बचेगा इतना ध्यान रखिए हथियारा न्याय मिलेगा 100% न्याय मिलेगा पिताजी का क्या नाम है सुबोध यादव क्या सुबोध यादव कितने भाई बहन आप 3 बहन 1 भाई 3 बहन 1 भाई एक ही भाई था एक ही भाई था मेरा एक ही भाई था बात तो तय है किसी को कुछ नहीं इतना सीधा बच्चा था कि बाबू
बाबू बाबू बाबू बाबू बाबू।